तो बहुत प्रभावशाली है ना आप रुबिया जी, भाजपा के एजेंट के रूप में ना बोले आप, भाजपा के एजेंट हो गई आप, सीनियर, आप सर्टिफिकेट देंगे आप। प्रसाद मौर्य के बारे में, स्वामी प्रसाद मौर्य एबीपी न्यूज में रुबिका लियाकत के साथ, ऐसी पत्रकार के साथ जिस पत्रकार का ईमान बिक चुका है। जी हाँ, ये कोई नई खबर तो है नहीं, बहुत पुरानी खबर हो चुकी है। रुबिका लियाकत हूँ, अमीश देवगन हूँ, अंजना ओम कश्यप हूँ, अर्णब गोस्वामी हूँ या कुछ हूँ, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुन्नी हुई बदनाम मोदी तेरे लिए, वो वायरल हुआ था, मैं डर गया कहीं नेशनल स्पीच दूँ या आपको मतलब तांत्रिक क्रियाएं बताऊं या सिद्धि बताऊं या हिंदू धर्म के फायदे गिराऊं, टोट के बताऊं, तो चैनल ज्यादा चलेगा, उस पर स्ट्राइक भी नहीं। देश की सच्चाई कौन सुनना चाहता है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा भाई, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा क्या कर लें। अरे एक वीडियो डाला था ना कानपुर के बारे में, वो जो है हटा दिए, सरकार हटा दी, कानपुर में आग जला दी, दो ब्राह्मण पर दो लड़कियों को मार दिया सरकार ने, वो हटा दी। अब तो यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं अपना, क्यों चलेगा क्या? तो माथे पर त्याग लगाए क्या, हम भी हिंदू बन जाए क्या नकली वाले? लेकिन नकली हिंदू कैसे बने, हम तो ब्राह्मण हैं। तो फिर बदला लिया जाए? यस। शब्दों से लिया जाए या तलवार से? शब्दों से। शब्दों से। तो ठीक है, तोड़ेंगे। तू मेरे टीका लगा दे लाल। गांधी का या देवी का? यार ये बड़ा कंफ्यूजन है यार सनातन धर्म में। तू यार कौन सा बढ़िया लगेगा, देवी जी का बढ़िया लगेगा या हनुमान जी का? वही लगा देना। देवी जी का। ठीक है, देवी जी का लगा देगा। थैंक यू। बन जाए हिंदू और नकली हिंदुओं का करने पर्दाफाश। ठीक है दोस्तों, आज नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि हमारी स्वीटी सुहानी ने कर दिया है ऐलान, झूठे हिंदू इस धरती पर नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, सबसे पूछ पूछ करके हिसाब लिया जाएगा। दिखा रहे थे ना बलात्कारी घटना हुई है, आपको कैसा लगा? मेरे को तो अजीब लगा। हैं? मोदी जी के हिंदुस्तान में? हाँ। मोदी ने बोला था हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो क्या करना चाहिए मोदी का सवाल उठाना चाहिए, जलूस निकाल देना चाहिए उसका पूरे भरे बाजार में।